रिश्वत लेता हुआ सरकारी रिटायर कर्मचारी कैमरे में हुआ कैद। लोगों ने रिश्वतखोर कर्मचारी की जमकर की मजा मत। तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह नजारा मथुरा थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत गिरधरपुर स्थित यस एंटरप्राइजेस फैक्ट्री का है। इस फैक्ट्री में तावे की बोतल के अलावा तावे से जुड़े हुए अन्य कार्य किए जाते हैं। इस फैक्ट्री के संचालक से एक सरकारी कर्मचारी कई वर्षों से रिश्वत ले रहा है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यह बात खुद वह कर्मचारी कहता हुआ नजर आ रहा है। ताज्जुब की बात तो यह है कि वह नागेंद्र शुक्ला प्रदूषण नियंत्रण विभाग से 2 साल पहले रिटायर भी हो चुका है, फिर भी उसके द्वारा लगातार रिश्वत ली जा रही है। इसकी जानकारी जैसे ही फैक्ट्री संचालक को लगी तो फैक्ट्री संचालक ने कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई और कर्मचारियों को फैक्ट्री संचालक ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और उसका वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में फैक्ट्री संचालक रिटायर कर्मचारी से मारपीट करता वह दिखाई दे रहा है। यस एंटरप्राइजेस फैक्ट्री मालिक जयराम उर्फ लाला की माने तो पिछले 5 साल से हर महीने से 4 से 5 हजार रुपए नागेश्वर शुक्ला रिश्वत के तौर पर ले जाता है और आज हमने इनको रंगे हाथ पकड़ लिया। वहीं रिश्वत लिए जाने और मारपीट की सूचना पर थाने हाईवे पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों को थाने ले गई। वहीं इस मामले को लेकर जब थाना प्रभारी से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों में सुलहनामा हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल इस बात का उठता है कि कैमरे के आगे खुद कर्मचारी यह बात कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि वह हर बार पैसे ले जाया करता था और वह पॉल्यूशन विभाग के जो पहले अधिकारी थे उनसे उसकी सांठगांठ थी। लेकिन कर्मचारी का यह भी कहना है कि इस बार उसको फैक्ट्री मालिक ने दिवाली की मिठाई लेने के लिए बुलाया था। सही नाम बताइए। नागेश्वर शुक्ला। किस विभाग में काम करते हैं? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रिटायर्ड है। तो फिर अब इस यहाँ किस लिए आए हैं? अच्छा, आर ओ कौन है ये बताइए? डॉक्टर योगेंद्र कुमार। योगेंद्र कुमार आप आर ओ? तो उसने आपको भेजा है यहाँ पर चौथ वसूली करने के लिए? अपनी मर्जी से आते हो? आप किस लिए आते हो? आप जब रिटायरमेंट हो गया, आपको 1.5 साल पहले रिटायरमेंट हो गया। 1.5 साल पहले रिटायरमेंट, इन्होंने मिलने आए थे, इन्होंने कल कहा था कि कल आ जाए। तुम कल आए थे, कल नहीं मिले, ये तो कहेंगे। इन्होंने प्लॉट बेच के, घर बेच के, मकान बेच के, व्यापारी आदमी व्यापार। अब कितने पैसे दिए इन्होंने? साफ साफ बताओ सच, बिल्कुल। कितने पैसे लेते थे? 5,000 रुपए। 5,000 दिए। कितने पैसे लेते थे शुरू से? बस पहले 3 देते थे, फिर 4 दिया, फिर जो है और 4 दिए। तो आप क्या चाहते हैं कि नौकरी छूटने के बाद भी, मतलब जैसे रिटायरमेंट के बाद भी लगातार पैसे चलते रहे? हमारा इनके ऐसे संबंध नहीं रहे लाल भैया से। अगर ये कह देंगे तो आपके बाद में कभी नहीं आऊंगा। तो मैं अभी आपके आर ओ साहब को फोन मिला रहा हूँ, अभी बुला रहा हूँ उनको यहाँ पे, वो मंगवाते हैं आपसे। नहीं नहीं। तो आप कैसे वसूली कर सकते हैं ये बताइए? रिटायरमेंट के बाद में नहीं, तुम लोग मत बताओ। और कितनी जगह से लेते हैं आप ये बताइए? और कहीं ये है, और जो है जैसे वो है एक मुकेश, 2-3 लोग देते हैं। 2-3 लोगों से अभी लगातार चल रहे हैं। और कितने कितने पैसे लेते हैं? महीनादारी कितना आ जाता है? महीनादारी नहीं लेते, छमाही छमाही जो है महीना। होली दीपावली देते हैं। मेरा नाम जयराम है। जयराम क्या काम करते हैं आप? मेरी वर्कशॉप है, तांबे का छोटा मोटा काम करता हूँ। आज ये व्यक्ति आपने बंधक बना के बैठा रखे हैं यहाँ पर, तो क्या लेने आए थे ये? क्या ये मुझे 5 साल से मेरा शोषण कर रहे हैं, मुझे 5 साल से वसूली कर रहे हैं। जैसे तैसे हम कमाते हैं, रोजी रोटी भी निकल पाती है, और ये लोग हमसे उगाही करते हैं, चौथ उगाही कर रहे हैं 5 साल से। किस विभाग से हैं ये? ये पॉल्यूशन विभाग से हैं। क्या नाम है इनका? ये इनका नाम शुक्ला जी है। क्या नाम पूरा? नागेश्वर शुक्ला। अच्छा जी, जैसे इन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद भी आपसे लेते हैं? इन्होंने बताया नहीं मुझे रिटायरमेंट है, इन्होंने कहा मैं ऑन ड्यूटी हूँ और मेरे ऊपर अधिकारियों को देता हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, 1.5 लाख रुपए जाते हैं, ये जाते हैं, वो सारी चीज़ें मेरे एविडेंस है। और 5 साल से मुझे इतना तंग करके रखा हुआ है। कोरोना हुआ, कोरोना के बाद में किसी बंदे को किसी के पास जाने में शर्म आएगी, लेकिन उनको शर्म नहीं आई। हमसे पैसा मांगा पूरा, 5,000 रुपए दिया खाने के लिए, तब आते हम लोग। अभी हमने पैसे दिए इनको? हमने इन लोगों को पैसा दिया क्योंकि हमें काम करना था। क्या करें, 5 साल से शोषण कर रहे हैं हमारा।